तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामुअलैकुम। आज का टॉपिक जो है, मैंने काफ़ी मेरे पर कॉल्स आ रही थी कि लोगों को एक ख़ास किस्म का प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, तो सोचा आप लोगों से शेयर करूं। और जितने नए खरगोश पालने वाले हैं और जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो ये उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। आपने देखा, ये मेरे सामने इस वक्त अंगोरा खरगोश रखा हुआ है। अंगोरा में तमाम ब्रीडों पर ये प्रॉब्लम आ जाती है। इसमें लॉयन अंगोरा है, फ्रेंच अंगोरा है, जर्मन अंगोरा है, साटन अंगोरा है, इंग्लिश अंगोरा है, टी डी विजॉफ अंगोरा है। तो उसमें ये प्रॉब्लम आता है कि आपका रैबिट एडल्ट हो गया है, एज भी पूरी है, सीज़न भी है, वेदर भी बहुत अच्छा है, मगर ब्रीड नहीं आ रही। बहुत सारे लोग ये बदगुमान हो जाते हैं कि जी हमारे को चीज़ सही नहीं मिली है, या पता नहीं क्या हमारे नसीब में नहीं है, या क्या प्रॉब्लम है कि एक एक साल से लोग लेके बैठे हुए और ब्रीड नहीं हो रही है। तो बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं, मगर उसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न जो इस वक्त मैंने देखी लोगों में, जो लोग फेस कर रहे होते हैं, वो इसकी फ़र की वजह से ब्रीड ना होना। वो मैं चीज़ शेयर करता हूँ कि देखें, ये जब इतना फ़र होता है इसका, मेल और फीमेल का, तो ये परफॉर्म ही नहीं कर पाते। जो मैटिंग इनका जो प्रोसीजर है, वो जो पोस्चर होता है, उस पोस्चर पे नहीं आते, वो परफॉर्मेंस हो ही नहीं पाती, मैटिंग हो नहीं पाती, जिसकी वजह से इतने नॉट्स हैं, परेशान होता है खरगोश, तो वो परफॉर्म ही नहीं करता। और अगर करता है तो वो मैटिंग नहीं हो पाती, बिकॉज उसमें हर्डल्स आ जाते हैं, ये जो फ़र है इसका रुकावट बन जाता है। तो आप लेके बैठे होते हैं, जी हम तो 6 महीने से साल से लेके बैठे हैं, मैं ब्रीड नहीं हो रही। तो हमने इस बात का ख्याल करना है कि जब जैसे अभी अगस्त शुरू हो गया है, और अब सीज़न इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से हो जाएगा, ये भी सीज़न है, बट कराची में अभी इस वक्त गर्मी है। तो अभी नेक्स्ट मंथ से सीज़न जब शुरू होगा, तो आपने अपने जो रैबिट्स हैं, स्पेशली मेल का, आपने यहाँ से और जो इसका ऑर्गन है, पार्ट है, उधर के सराउंडिंग के बाल आपने रिमूव कर देने। फीमेल के आपने ऑलमोस्ट यहाँ से, यानी कि क्वार्टर बॉडी से, और मेन पार्ट के सराउंडिंग के बाल रिमूव कर देने, जिससे ताकि इनको ये आसानी हो जाएगी कि ये जब एक तो बड़ा फ़र्क आ जाता है, बड़े ईजी हो जाते हैं ये, दूसरा फिर जब ये मैटिंग करने की कोशिश करेगा तो फीमेल उसको अलाउ करेगी, और अलाउ करेगी तो वो परफॉर्म भी कर पाएगा। कितनी बार देखने में ये आया कि फ़ीमेल अलाउ कर रही है, मेल रैबिट कर ही नहीं पा रहा, बिकॉज वो बालों का, जो हेयर्स का, वो हर्डल आ गया और वो परफॉर्मेंस ही नहीं हो पा रही है। तो उम्मीद करता हूँ ये आप प्रॉब्लम समझे होंगे कि आपके पास अगर अंगोरा रैबिट है, तो उसका आपने नीचे से बालों को रिमूव कर देना, ताकि उनको ब्रीडिंग में, उनको मैटिंग करने में आसानी हो जाए। तो जाहिर से पुराने लोग हैं, वो तो इस बात को समझते हैं, नए लोग परेशान होते रहते हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं मेरे साथ, मुझसे पूछे जाते हैं कि जी 1 साल से रखा हुआ है, 1.5 साल से रखा हुआ है, ब्रीड नहीं आ रही। तो अंगोरा में सबसे बड़ा रीज़न एक ये भी होता है कि उनके बाल ब्रीड में रुकावट बन जाते हैं। तो होपफुली आप लोग समझ गए होंगे कि मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, कि अगर ये प्रॉब्लम आप लोगों को फेस कर रहे हो आप, तो इसके ऊपर आप काम करो कि इसके बालों को रिमूव करो, इंशाल्लाह उससे आप लोगों को फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मिलते हैं। अस्सलामुअलैकुम।